अभी हम यहाँ से चल रहे हैं कि देखेंगे अटेंडेंस शीट के डेटा को कैसे कंपाइल करना है और उसको किस तरह से हम फार्मूलेस की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, उस फंक्शन का नया एक फंक्शन है जिसको हम यूज़ करेंगे और उसका नाम है काउंट इफ। ठीक है, तो काउंट इफ फंक्शन कैसे काम करेगा, दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होंगे इसको। ठीक है, दो और आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होंगे इसको। पहला आर्ग्यूमेंट चाहिए होगा रेंज, एक आर्ग्यूमेंट चाहिए होगा रेंज और दूसरा चाहिए होगा क्राइटेरिया। ठीक है, अब रेंज और क्राइटेरिया को कैसे समझेंगे हम, देखें रेंज होगी कि ये जो पहला स्टूडेंट है यहाँ से लेके जो इसके प्रेजेंट एब्सेंट और लीव के इंडिकेटर हैं, ये पूरी इसकी रेंज हो गई। रेंज को हम स्टडी कर रहे हैं किस तरीके से, यहाँ पे देख लेते हैं। तो रेंज को ये बताएगा हमें कि भाई ये जो हमने सेलेक्ट किया है इसको सपोज टू भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी रेंज है वो क्या बन रही है। तो यहाँ पे बता रहा है कि इसकी रेंज यहाँ से यानी कि इस सेल से लेके इस सेल तक की इसकी रेंज है, मतलब C6 से लेके और इसकी रेंज बन रही है AG6 तक। और क्राइटेरिया क्या होगा जो हमें सर्च करना है इसके ऊपर, पी पी फॉर प्रेजेंट। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले कोई भी शीट पर चले जाते हैं हम, इस पर आ जाते हैं या इस पर काफ़ी सारी सी बनी हुई है तो किसी पर कुछ डेटा हो तो उस शीट पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ही कर लेते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर हमने आके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से जाके इस डेटा को हम क्लियर कर देते हैं, क्लियर कॉन्टेंट। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले हमने कैसे लॉन्च करना है फंक्शन इसको समझ रहे हैं आपने, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है फार्मूला पे और लुकअप एंड रेफरेंस पे क्लिक करना है। वी लुकअप पे जाना है हमें यहाँ से, ठीक है, वर्टिकल लुकअप पर। तो जैसे ही हम इसको सॉरी काउंट इफ पर जाना है हमें, फंक्शन जो नाम है हमारा काउंट इफ, और वो हमें मिलने वाला है मैथ्स एंड ट्रिक्स पे। और यहाँ पे जाके इसको यहाँ से क्लिक करेंगे स्टैटिस्टिकल में जाके यहाँ से काउंट इफ पे क्लिक करेंगे। काउंट इफ पे क्लिक करके यहाँ पे फिर क्लिक करके सेलेक्ट करना है रेंज को। रेंज को लेके हम बताएंगे यहाँ से लेके इसको हमारी रेंज है पहले स्टूडेंट की जो उसका पहला डेटा इंटर हुआ हुआ है प्रेजेंट एब्सेंट लीव का, तो C6 से लेके AG6 तक। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और फिर क्राइटेरिया बताना है। तो क्राइटेरिया के लिए आपने यहाँ पे जो प्रेजेंट बता रखा है पी, यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर देना है। ठीक है, डिस्क्राइब करने के बाद जैसे इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे ओके करने पे अब इस पर हमें इसने एक एरर दे दिया। अब इस एरर को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि एरर बनता तो नहीं है, लेकिन दे दिया एरर। तो एक मिनट, ज़रा एक्सेल को दोबारा से बंद करके खोलता हूँ। तो हो सकता है इसमें कोई खराबी आ रही हो, तो आप दोबारा से इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर। सेलेक्ट कर लिया इसको, क्लियर कंटेंट, वंस अगेन क्लिक किया हमने यहाँ पे फॉर्मूला मोर फंक्शन स्टैटिस्टिकल और यहाँ से हम चले गए काउंट इफ। काउंट इफ पे जाके यहाँ से हमने क्लिक किया रेंज के ऊपर, रेंज के ऊपर क्लिक करके हमने यहाँ से दिया क्राइटेरिया, क्राइटेरिया पे क्लिक करके रेफरेंस दिया सेल का और ओके कर दिया। तो देखो इसने सारे प्रेजेंट्स को काउंट करके बता दिया आपको, समझ में आ रही बात। अब इस तरह एब्सेंट को काउंट करना है तो एब्सेंट वाले सेल पे क्लिक करना है, फिर जाना है मोर स्टैटिस्टिकल फंक्शन में, स्टैटिस्टिकल में, और यहाँ से फंक्शन लेना है काउंट इफ वंस अगेन, और फिर से रेंज में हमें रेंज वही बतानी है यानी कि पहले से लेके और से वहाँ तक, और क्राइटेरिया में जाके एब्सेंट वाले सेल का रेफरेंस कर देना है एंड देन ओके कर देना है। तो इसने एब्सेंट को काउंट कर दिया। अब लीव वाले सेक्शन में भी इसी चीज़ को रिपीट करना है आपने। अब एक दफ़ा जो फंक्शन हम दे लेते हैं तो दोबारा वो फंक्शन हमें रीसेंट यूज में मिल जाता है, तो शॉर्टकट है ये उस तक पहुंचने का, क्लिक करेंगे। तीसरी दफ़ा भी सेम प्रोसेस को रिपीट करना है और रिपीट करने के बाद फिर क्राइटेरिया में इस बार हमें ये एल वाला सेक्शन बता देना है एंड देन ओके कर देना है। सही, ये तीनों करने के बाद आपने एक प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लिया है एक स्टूडेंट की। अब देखते हैं कि क्या ये अपडेट हो रहा है डेटा, तो मैं इसको समझाने के लिए आपको डेटा की ज़रा एक येलो कर देता हूँ, एक्स
सी ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, और एक जो है यहाँ पे लाइट रेड कर देता हूँ, लाइट रेड नहीं है, स्काई कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ से इसका कलर स्काई कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ वेडनेसडे में एक प्रेजेंट की एंट्री करने लगा हूँ, तो प्रेजेंट ऑटोमेटिकली 14 हो गया, वो किसी प्रेजेंट को कन्वर्ट कर रहा हूँ एब्सेंट में तो वो 13 हो जाएगा, एब्सेंट 6 हो जाएगा, इसी को कन्वर्ट कर रहा हूँ एल में तो वो हो जाएगा 3 और वो हो जाएगा 5, सही। इस तरीके से अब ये ऑटोमेटिकली काम करेगा, लेकिन ये सोल्यूशन तो एक स्टूडेंट का निकाला है आपने, यही स्टेप्स आपको 3 बार हर एक स्टूडेंट के लिए रिपीट करने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको ड्रैग कर देते हैं, तो ड्रैग करने पर रिजल्ट देखिए हो जाएंगे खराब, ये देखिए। और अब मैं इसको लगा रहा हूँ प्रेजेंट, कोई आंसर नहीं आ रहा। इसका सोल्यूशन क्या है? अब हम इसको अंडू कर रहे हैं, कंट्रोल जेड, बल्कि मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, क्लियर में जाके कंटेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, क्लिक करना है यहाँ पर, सेलेक्ट करना है फॉर्मूला में जाके, मोर फंक्शंस में, स्टैटिस्टिकल में, और यहाँ से जाके आपने चूज करना है काउंट इफ को। काउंट इफ चूज करने के बाद फिर आपने सेलेक्ट करना है इस रेंज को जो हमने बताई थी, जो कि पहले स्टूडेंट की होनी चाहिए, जो कि बन रही है कितनी, C6 से AG6। अब C6 और AG6 एक रेंज है फर्स्ट स्टूडेंट की, और क्राइटेरिया में चूज किया आपने P फॉर प्रेजेंट। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करूं आपके लिए, तो अब आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ गई कि C6 टू AG6 जो है वो हमारी पहले स्टूडेंट की, जिसमें प्रेजेंट एब्सेंट लीव लगे हुए 31 सेल्स की क्या है रेंज, जिसमें P A L H और S आपको मिलने वाला है। AH5 में जिसमें आपने अलग अलग सेल्स में P A L लिखा है, तो आपने सिर्फ P का रेफरेंस दिया हुआ है, जिसका सेल का नाम है AH5। अच्छा, ये आपके शीट पर माइट भी कुछ सेल चेंज भी हो सकते हैं ना, आपकी रो नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, आपका कॉलम आगे पीछे हो सकता है, तो ये नाम आपने जहन में रखना है। आपका हो सकता है AH5 ना हो, A6 हो, तो इस बात को जहन में रखना है। अब एक्सेल को हमने कहा है कि तुम इस AH5 पर जाओ, वो गया, वहां पर उसको मिला P, उसको बोला कि इस रेंज में सर्च करो, उसमें जितने पीस थे उसने उनको काउंट करना शुरू किया, काउंट करके आपको यही बता रहा है कि कितने पी मिले हैं इसको, सिमिलरली ए, सिमिलरली एल। हम बचना चाह रहे हैं बार बार इस फॉर्मूले को ना लगाएं। अब होगा क्या, अगर हम फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे इस पी पे लगाने के बाद, तो यहाँ पर ऊपर चेंज आएगा, C6 कन्वर्ट हो जाएगा AG6 से C7 में, मतलब रो नंबर सेकंड C7 और AG7, करेक्ट। सिमिलरली AH5 कन्वर्ट हो जाएगा, AH5 कन्वर्ट हो जाएगा AH6 में। अब रेंज चेंज हो रही है वो तो सही है, लेकिन क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, जिस वजह से आंसर नहीं आएगा। तो क्राइटेरिया हम चाहते हैं चेंज ना हो, मतलब AH5 चेंज ना हो, तो AH के बाद और 5 से पहले हम लगाएंगे यहाँ पे डॉलर, सही। इससे क्या होगा, रो नंबर 5 फिक्स्ड हो जाएगी। अब मैं जब ड्रैग करूंगा फॉर्मूले को नीचे, तो ये रो नंबर 5 6 नहीं होगी, 7 नहीं होगी, ऑलवेज रिमेन 5। तो यहां पर जो जो चेंजेस आती रहेंगी वो यहाँ पे चेक होती रहेंगी और आंसर सही आता रहेगा। एक सोल्यूशन तो निकल आया ड्रैग वाला, टॉप टू बॉटम। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि यार ये बार बार ए और एल पे फिर यही काम करना पड़ेगा, इसको भी फिक्स कर देते। अब मसला ये होता है कि अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से ड्रैग करता हूँ आगे, तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, C6 कन्वर्ट हो जाएगा D6 में और AG6 कन्वर्ट हो जाएगा AH6 में, जिससे इसका पहला सेल का प्रेजेंट एब्सेंट लूज कर देंगे, और दो दफा किया तो दो सेल का प्रेजेंट एब्सेंट लूज कर देंगे। तो यहाँ पर ऊपर हम इसको फिक्स करेंगे कॉलम को कि भाई डॉलर सी से पहले, डॉलर AG से पहले। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई कि डॉलर AG से पहले लेकिन कॉलन के बाद, तो AG से पहले और कॉलन के बाद, अभी भी कॉलन से पहले ही आ रहा है नाउ, ये ठीक है। अब हमारा सी कॉलम भी फिक्स हो गया,
एजी कॉलम भी फिक्स हो गया। अब हम लेफ्ट टू राइट जब ट्रैक करेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो नीचे इस तरह की कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम चाहते ही है ना कि जब मैं ड्रैग करूँ उसको आगे तो ये वाला सेल ए जी ए एच ए आई में हो जाए, ए आई ए जे में हो जाए, तो ये पहले चेंज होता रहे। तो यहाँ पर हमने कॉलम को फिक्स नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ रो को फिक्स करना है, और यहाँ पे कॉलम को फिक्स करना है, रो को फिक्स नहीं करना है। दैट्स ऑल, ये आपका सोल्यूशन पूरा निकल आया। अब आप पहले इसको ऐसे ड्रैग कर लें और फिर सिलेक्शन के साथ ऐसे सीधा सीधा जहाँ तक आपने किया हुआ है ट्रैक कर दें और अब रिजल्ट्स को चेक कर लें। लेट्स सपोज पी प्री काउंट हो गया, ए काउंट हो गया, एल एच है ये तो ठीक है, एल काउंट हो गया, पी कन्वर्ट कर देते हैं एल के अंदर तो प्रेजेंट कम हो गया और लीव आ गया। इस तरह ये आपकी डिजिटल शीट बन जाएगी और इस तरह आप ये भी सीख गए कि ये जो हमारा फंक्शन है काउंटिफ किस तरह से काम कर रहा होता है।